नमस्कार, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अभी बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 6:45। आज है वेंसडे। 5:30 बजे मैंने अपने ऑफिस का काम शुरू कर दिया था और मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए होता है अपना दिन शुरू करने के लिए। मेरे पास है बहुत सारा पानी, मेरे पास है ये 1 सर्विंग प्रोटीन की, और मैं बना के लाया हूँ अपने साथ 1 कप कॉफी भी। जनरली मैं वर्क डेज पे शूट करना अवॉइड करता हूँ, बट आई थॉट आज मुझे शूट करना चाहिए क्योंकि मैंने अपनी डाइट और वर्कआउट में कुछ चेंजेस करे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और साथ साथ आपको खाना चाहता था कि मैं कैसे उसे मैनेज करता हूं अपने इस करंट वर्क शेड्यूल के हिसाब से। आज का दिन काफी हेक्टिक है। मेरी पहली कॉल जो 1.5 घंटे की है वो 6:30 बजे शुरू होगी, उसकी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। उसके बाद भी काफी बैक टू बैक कॉल्स है। दिन काफी बिजी रहने वाला है, लेकिन हम अपनी मील्स मैनेज करेंगे, हम अपना जिम मैनेज करेंगे, और मैंने सुबह से सिर्फ ये पानी पिया है। अब मुझे चाहिए प्रोटीन, तो मैं ये प्रोटीन पीता हूं और उसके बाद आपसे अपनी बातें कंटिन्यू करता हूं। तो बात करते हैं लाइफ की अपडेट्स की। सबसे पहली अपडेट यह है कि वर्क शेड्यूल बिल्कुल वही चल रहा है। सुबह जल्दी उठ के 5:30 बजे मुझे अपना काम शुरू करना पड़ता है और मेरा काम चलता है तकरीबन 1:30-2 बजे तक, तो दैट्स माय वर्क विंडो। उसके बाद मैं जिम जाता हूँ। इनिशियली मुझे काफी दिक्कत हुई थी पूरा अपना शेड्यूल रीअरेंज करने में, अपनी डाइट, अपना जिम, वर्क, बट आई थिंक इस अरेंजमेंट को ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो गए, सो आई हैव गॉट यूज्ड टू इट, क्योंकि मेरे पास कोई ज्यादा ऑप्शन नहीं है। लाइफ की दूसरी अपडेट ये है कि भाई मैं मोटा हो रहा था, मेरा वेट बढ़ रहा था, एक्चुअली मेरा फैट बढ़ रहा था क्योंकि मैंने 3 हफ्ते ट्रैवल किया था। अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे हो तो मैं 2-3 कंट्रीज गया था काम के सिलसिले में। मैंने क्लीन खाने की कोशिश करी, लेकिन बाहर का खाना बाहर का ही होता है, तो मैंने अपनी तरफ से ट्रैवल करते हुए अपना प्रोटीन गोल हिट करने की कोशिश करी और कैलोरी गोल हिट करने की भी कोशिश करी। आई थिंक मैंने अप्रोप्रिएट प्रोटीन खाया, लेकिन मेरी कैलोरीज हाई थी जिस वजह से मेरा वेट बढ़ गया, मेरा फैट बढ़ गया, मेरी थोड़ी सी टोन भी निकल आई थी। तो दूसरी अपडेट ये है कि हमने शुरू किया है मिनी कट। मैं आजकल डेफिसिट में खा रहा हूँ, मुझे ये करते हुए तकरीबन 1 हफ्ता हो गया, एंड आई प्लान टू डू इट फॉर अनदर 2 वीक्स। उसके बाद देखेंगे कि सिचुएशन कैसी है और फिर असेस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। फॉर श्योर मैं 3000 कैलोरी से ज्यादा खा रहा था जब मैंने ट्रैवल किया। वापस आने के बाद भी मैंने कैलोरीज इतनी काउंट नहीं करी, सो माय वेट कंटिन्यू टू गो अप। तो इस मिनी कट में मैंने स्टार्ट किया है 2350 कैलोरीज खाने से। हाँ, मैंने काफी कैलोरीज कम करी है क्योंकि मैं काफी ब्लोटेड फील कर रहा था, वर्कआउट की इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं थी और कार्डियो बिल्कुल जीरो चल रहा था, तो इस वजह से मैंने ड्रास्टिकली कैलोरीज कम करी है, लेकिन मैं नंबर ऑफ मील्स उतना ही खा रहा हूँ। सो आई एक्सप्लेन हाउ आई प्लान माय डेफिसिट। अभी मैं जाता हूँ अपनी कॉल पे, आपसे मिलता हूँ दिन में थोड़ी देर में, तब तक शायद रोशनी भी हो जाएगी तो वीडियो की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। अंधेरा है बाहर अभी, तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8, मेरी कॉल अभी खत्म हुई है और टाइम है पहली मील लेने का। अभी तक मैंने सिर्फ 1 स्कूप प्रोटीन दिया है। तो इस कैलोरी डेफिसिट में हम 4 मील्स देंगे, 2 मील्स होंगी ओट्स की और 2 मील होगी राइस और कोई प्रोटीन सोर्स की, और 1 प्रोटीन शेक जो मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। इसमें तकरीबन 65 ग्राम्स ऑफ ओट्स जो मैंने रात को सोख करके रखे थे, इसके साथ खाएंगे 1 बोल ऑफ फ्रूट, इसमें है पाइनएप्पल पपाया और इसमें डालेंगे 1/2 स्कूप प्रोटीन। तो इस मील से मिलेंगी तकरीबन 500 कैलोरीज और तकरीबन 25-28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। तो सबसे पहले क्विकली ये मील बनाते हैं। तो अगर आप भी कटिंग फेज चलाना चाहते हैं, अपना वेट कम या फैट कम करना चाहते हैं, तो 3 प्रिंसिपल्स को हमेशा ध्यान में रखिएगा जो मैं हमेशा यूज करता हूं जब भी मैं कटिंग फेज में होता हूं। इस मिनी कट के लिए भी मैं इन 3 प्रिंसिपल्स को यूज कर रहा हूं। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है कैलोरी डेफिसिट। आपको जरूरत से कम खाना है, जितनी आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज होती है उसे कैलकुलेट करके आपको तकरीबन 200-300 कैलोरी के डेफिसिट से स्टार्ट करना पड़ता है। अगर आप जरूरत से कम नहीं खाएंगे आपका वेट कम नहीं होगा। अगर आप सिर्फ फैट कम करना चाहते हैं, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैट लॉस एंड वेट लॉस। वेट मतलब आपके शरीर का वजन कम हो गया, चाहे वो मसल हो चाहे वो फैट हो, किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप प्योरली फैट लॉस करने में इंटरेस्टेड हैं और अपनी मसल को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो बाकी 2 प्रिंसिपल्स को यूज करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड प्रिंसिपल होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या कोई स्टिमुलस। अगर आप अपनी मसल्स को कोई स्टिमुलस नहीं देंगे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बॉडी के पास कोई भी रीजन नहीं होगा मसल को रिटेन करने का जब आप डेफिसिट में खा रहे हैं। बॉडी मसल को भी ब्रेक करेगी, आपकी मसल भी लूज होगी, साथ ही साथ फैट भी लूज होगा। लेकिन इफ यू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ड्यूरिंग योर कटिंग फेज, वो एक सिग्नल देता है आपकी बॉडी को कि मसल की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, क्योंकि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, आपको स्ट्रांग रहना है क्योंकि आप वजन उठा रहे हैं।
तीसरा प्रिंसिपल होता है मसल को रिटेन करने के लिए प्रोटीन खाना। तो डेफिसिट में सिर्फ अपने कार्ब्स और फैट्स को मॉड्यूलेट करें, आपको प्रोटीन को मॉड्यूलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना प्रोटीन आप खा रहे हैं उतना खाते रहें, उससे अगर थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो और आपकी हेल्प करेगा। एंड आई यूज द सेम प्रिंसिपल। मेरा प्रोटीन इनटेक इस टाइम तकरीबन 160 टू 170 ग्राम्स पर डे चल रहा है। मेरा अभी बॉडी वेट है तकरीबन 78 केजीज। तो मैं अपने प्रोटीन इनटेक के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा। मैंने अपने कार्ब और फैट का इनटेक कम किया है। अगर मैं इस मील की बात करूं, मैं इसमें एक पीनट बटर डालता था जो मैंने हटा दिया, 100 कैलोरी कम हो गई। मैं इसमें एक केला डालता था, वो भी मैंने हटा दिया, 100 कैलोरी कम हो गई। मैं 80 टू 100 ग्राम ओट्स खाता था, वो कम करके मैंने 65 कर दिया है, कैलोरीज और कम हो गई है। इट इज स्टिल फिलिंग, ये मेरा पेट भरता है, मुझे भूख नहीं लगती है इसके बाद। लेकिन मैंने अपने ओवरऑल ब्रेकफास्ट में से तकरीबन 300 से 350 कैलोरीज कम करी है। तो इसी तरीके से आपको भी अपना कट प्लान करना चाहिए, ताकि आपका कट क्वालिटी कट हो, आप मसल लूज ना करें, केवल फैट लूज करने पे फोकस करें। वेरी टेस्टी बनाना फ्लेवर प्रोटीन है। जनरली मैं पहले नहाता हूं, आई फील फ्रेश आफ्टर शावर, फिर खाता हूं। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं शूट भी कर रहा हूं, मेरी नेक्स्ट कॉल भी है। सो दैट इज व्हाई आई विल ईट एंड आई विल गेट ऑन दैट कॉल, उसके बाद शावर वगैरह होगा। तब बिना नहाए ना यार सुस्ती रहती है, नहाते ही एक फ्रेशनेस आती है, दिमाग तेज हो जाता है, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, ये मेरा मानना है। तो मैं इसे खत्म करता हूं और आपसे मिलता हूं थोड़ी देर में। हाँ जी, तो टाइम हो रहा है लगभग 10:15। तो अब जाके मुझे टाइम मिला था नहाने धोने का। जी हाँ, सुबह से मैं गंदा मैला बैठा हुआ कॉल्स पे कॉल कर रहा था, वीडियो कॉल। उनको भी देख के लग रहा होगा कि बिना नहाए बैठा हुआ है, बट मैं क्या करूँ यार, इस टाइप के टाइमिंग्स में कोई डिफाइंड ब्रेक्स नहीं होती है। बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलता है मैं ब्रेक लेता हूँ, जिसमें मैं कॉफ़ी पीता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता धोता हूँ। तो फाइनली अब जाके मुझे एक आधे घंटे का विंडो मिला था जिसमें मैं नहा धो पाऊँ। सो आई एम रेडी एंड रिफ्रेश। लेकिन काम शुरू करने से पहले करेंगे लंच। हाँ जी, 10:30 हम करेंगे लंच, ताकि हमारे लंच और हमारे वर्कआउट के बीच में 2 से 3 घंटे का गैप आ पाए। और दूसरा रीजन ये भी है कि इसके बाद शायद कोई ब्रेक नहीं है, 2-3 घंटे बैक टू बैक मेरी कॉल्स हैं, तो मुझे खाने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड आई डोंट वॉन्ट टू लैंड इन अ सिचुएशन कि मैं अपना काम खत्म करूँ 12-1 बजे, तब मैं लंच करूँ, तो फिर मैं जिम जाऊँगा 3-4 बजे। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो इसलिए मैं अभी फटाफट खाना खाऊंगा और फिर काम करेंगे और फिर जिम चलेंगे। तो ये है आज का लंच। इसमें है 200 ग्राम उबले हुए चावल और तकरीबन 130 ग्राम उबला हुआ चिकन और थोड़े से वेजिटेबल्स। ये खाना मैंने रात को ही बना के रख लिया था। रात को मैं डिनर और लंच दोनों का प्रोविजन करके सोता हूँ। एक ही बैच में 2 मील्स प्रिपेयर हो जाती है, जो हम देखेंगे शाम को। अभी मुझे ये फटाफट खाना है और उसके बाद आधे घंटे में मेरी कॉल है। वेरी लाइट, वेरी टेस्टी, नॉट वेरी हाई ऑन फ्लेवर, पर मुझे अच्छा लगता है, मेरे टेस्ट बड्स को ये सेटिस्फाई करता है खाना। इस मील के मैक्रोस, इसमें फिर से 500 कैलोरीज हैं और इसमें प्रोटीन कंटेंट काफी हाई है। इसमें तकरीबन 42-43 ग्राम्स प्रोटीन है। सो इट्स वेरी हाई ऑन प्रोटीन, नॉट टू हाई ऑन कैलोरीज। तो अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, इस टाइप की मील आपके डाइट प्लान में जरूर होनी चाहिए। तो फाइनली आज का काम खत्म, ऑलमोस्ट 1:45 बज रहे हैं और अब टाइम है जिम की प्रिपरेशन करने का। खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, तो एक अच्छा गैप होता है आपके वर्कआउट और खाने के बीच में। अदरवाइज यू मे फील ब्लोटेड एंड अनकंफर्टेबल अगर आप तुरंत वर्कआउट करते हैं कुछ खाने के बाद। अब टाइम है कॉफी पीने का, दिन की दूसरी कॉफी है। मैंने अपना कॉफी इनटेक काफी कम किया है पहले से, दिन की 4-5 कॉफी होती थी मेरी। नाउ आई एम रिस्ट्रिक्टिंग इट टू 2 और मैक्सिमम 3। और ये है मेरी कॉफी, नहीं ये तो बिहान है, ये अभी एग्जाम देके आया, इसके एग्जाम चल रहे हैं, नहाने जा रहा है। ये है मेरी कॉफी, नहाने नहीं जा रहा है, तो ये है मेरी कॉफी। इसमें एक बहुत बड़ा चम्मच कॉफी का और साथ में तकरीबन 3 ग्राम ऑफ क्रिएटिन। पानी गर्म ऑलरेडी है इस केटल के अंदर, तो अब मैं ये कॉफी पीऊंगा और कॉफी पीते पीते कपड़े चेंज करूंगा और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करूंगा। आज हमें क्या करना है, आज हमें लगाना है एक पुश वर्कआउट। तो जिम जाते हुए मिलते हैं और मैं अपनी ये सेकंड एंड लास्ट कॉफी ऑफ द डे एंजॉय करता हूं। सो वी आर ऑन द वे टू द जिम और जैसे मैंने आपको बताया, आज मुझे लगाना है एक पुश वर्कआउट। अब पुश वर्कआउट में मैंने थोड़े से चेंजेस करे हैं, इनफैक्ट मैंने रिवर्स करे हैं जो चेंजेस मैंने करे थे। मैं रॉड से शोल्डर प्रेस करता था और रॉड से ही बेंच प्रेस करने लग गया था, लेकिन आई हैव स्विच्ड बैक टू डंबल मूवमेंट्स। और इसका रीजन ये नहीं है कि मुझे रॉड से वर्कआउट करने में मजा नहीं आया, इसका रीजन सिर्फ एक है कि मैं कंसिस्टेंट वर्कआउट लगा पाऊँ। आपने देखा होगा पिछले व्लॉग्स में कि मेरी ट्रैवलिंग बहुत बढ़ गई है, तो 3 हफ्ते मैं बाहर था, अब आई थिंक 2-3 हफ्ते मैं वापस घर से काम करूंगा,
देन अगेन आई हैव टू ट्रैवल फॉर 2 वीक्स. और जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका वर्कआउट सफर करता है और उतनी इंटेंसिटी से आप वर्कआउट नहीं कर पाते जितना आप करना चाहते हैं. और उसका मेन रीजन ये होता है कि जो शेड्यूल आप अपने जिम में फॉलो करते हैं वो शेड्यूल आप बाहर के होटल्स के जिम में नहीं कर पाते फॉलो, क्योंकि वहां पर इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्टेड होता है. हर टाइप का इक्विपमेंट रेडिली अवेलेबल नहीं होता. बट हर होटल के जिम में डंबल जरूर होते हैं, बहुत हैवी नहीं, लेकिन मैंने देखा है कि 99% होटल जिम्स में 20 से 25 किलो तक के डंबल प्लेयर अवेलेबल होते हैं. तो सिर्फ ये रीजन है डंबल्स पे वापस शिफ्ट करने का कि ताकि मेरे वर्कआउट कंटिन्यू रहे, प्रोग्रेस कर पाऊं मैं और उसको ट्रैक कर पाऊं. अगर मैं 2 हफ्ते रॉड से बेंच मारूंगा उसके बाद होटल्स में डंबल से मारूंगा तो मैं सिंक्रोनाइज नहीं कर पाऊंगा, मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगा प्रोग्रेस. तो इसलिए कोशिश करके मेजर मूवमेंट्स जैसे शोल्डर प्रेस, बेंच प्रेस, साइड लैटरल रेजेस, ये मैं डंबल से ही लगा रहा हूँ. और पर्पसली फॉर्मेट ऐसा है कि मैं 20-25 kg के डंबल से ऊपर ना जाऊं, उसी में हाई वॉल्यूम वर्कआउट लगाऊं, ज्यादा रेपिटेशन वाला जो मैं कंटिन्यू कर पाऊं. तो मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रोग्रेस में, मेरे वर्कआउट्स में कोई रुकावट आए. That is the only reason to switch back to dumbbells. आज हम करेंगे केवल 5 exercises: standing shoulder press with dumbbells और inclined bench press for chest. उसके बाद side lateral raises. उसके बाद cable crossovers and at the end 1 exercise for triceps. So total 17-18 set should not take us more than 1 hour to complete the workout. उसके बाद cardio भी कर रहा हूँ मैं. Around 20 minutes of brisk walk क्योंकि मेरा cardio literally zero हो गया था. So I want to up that और मैं अपने steps का target अब रोज hit करना चाहता हूँ. So, without wasting any time, जिम चलते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं और आपको जिम के अंदर ही मिलता हूँ. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game. Life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way, to win at life, I never miss, that's fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean, and I bring it to the mad light, ain't got time to kill, I got time to feel, I took the red pill, I know life's short, so I wanna live real, but how's it supposed to feel? तो वर्कआउट मेरा अच्छा रहा. मैंने आई थिंक मैक्सिमम वेट 25 kg का उठाया, उससे ऊपर मैं नहीं गया. जरूरी नहीं है कि हैवी लिफ्ट करके ही आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगा पाए. आप ओवरलोड लगा सकते हैं मॉडरेट वेट के साथ भी, अपने रेपिटेशन बढ़ा के. आप वीडियो में नोटिस करोगे कि मैं अपना नेगेटिव बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था. दैट इज ऑल्सो अ वे टू अप्लाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड. तो आप मॉडरेट वेट के साथ भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं. जरूरी नहीं है वो 1 rep max निकालना या जिम का सबसे हैवी डंबल उठाना. आपकी मसल को डंबल पे क्या वेट दिखा है वो नहीं दिखता है. आपकी मसल को समझ आता है रेजिस्टेंस, आपकी मसल को समझ आता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड. तो वो आप किसी भी वेट के साथ लगा सकते हैं, रिजल्ट सिमिलरली आते हैं, ये साइंस ने भी प्रूव किया है. दूसरी चीज, अगर आप डेफिसिट प्लान कर रहे हैं, अगर आप एक कटिंग फेज प्लान कर रहे हैं, इट विल डिप्लीट यू, ये दिमाग में जरूर रखिएगा. तो जैसे मैं अभी कटिंग फेज चला रहा हूँ, मेरी दिनचर्या, मेरी डे टू डे लाइफ वैसे भी काफी डिमांडिंग है. मेरा 8-9 घंटे का काम है, फिर वर्कआउट है, उसके बाद भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी लगी रहती है. पूरे दिन में मेरे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है. मैं सीधा रात को अपने बेड पे लेटता हूँ और फिर पूरे दिन में मैं आराम नहीं कर पाता. सो आई हैव अ हेक्टिक डिमांडिंग एक्टिव लाइफ. तो मेरे लिए ये जो कटिंग फेज होता है काफी डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई स्टार्ट फीलिंग डिप्लीटेड. अभी जिम में भी स्टार्टिंग में ठीक था, लेकिन आधा वर्कआउट होने के बाद मुझे एकदम से थकान, वीकनेस फील होने लगी. दैट्स जस्ट बिकॉज आई एम नॉट फ्यूलिंग माय बॉडी इनफ. तो ये डेफिसिट फेज के साथ ये प्रॉब्लम है, ये आपको हमेशा दिमाग में रखनी है, क्योंकि आपकी डे टू डे लाइफ, आपके एनर्जी लेवल, आपकी स्लीप क्वालिटी, काफी चीजें इम्पैक्ट करेगा. अब मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख. इस टाइम मुझे मैक्सिमम भूख लगती है आजकल, क्योंकि मैं वर्कआउट करके आता हूँ. सुबह से मैंने केवल 2 छोटी छोटी मील्स दी हुई हैं.
अब टाइम है थोड़ी सी बड़ी मील, थोड़ी सी हाई इन कैलोरी हाई इन प्रोटीन मील खाने का। तो घर चलते हैं, मील बनाते हैं फटाफट। भूख बहुत ज्यादा लग रही है लेकिन मैं बहुत ज्यादा खा नहीं सकता क्योंकि मैं अपनी कैलोरीज कंट्रोल कर रहा हूं, और डेफिसिट में आपको थकान ज्यादा फील होती है अगर आप हार्ड ट्रेन करते हैं। तो चाहे मैंने मॉडरेट वेट के साथ ही वर्कआउट किया हो, मेरी ट्रेनिंग काफी हार्ड थी, रेपिटेशन का काउंट काफी हाई था, एंड बिकॉज आई वॉज ट्रेनिंग विद मॉडरेट वेट आई ट्राई टू टेक एवरी सेट टू फेलियर। अब अगर आप फेलियर तक लेके जाते हैं, जो आखिरी के दो तीन रेप होते हैं ना, उसमें इस सिचुएशन में आपका परमात्मा से मिलन हो जाता है, चक्कर आ जाते हैं ऑलमोस्ट। दिस मील विल बी वेरी सिमिलर टू द ब्रेकफास्ट। इसमें मैं लूंगा 65 ग्राम्स ऑफ ओट्स, इसमें मिलाऊंगा ऑलमोस्ट 3/4 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। ओट्स में मैं डालूंगा 1 या 1.5 केला और साथ में पीऊंगा 300 ml ऑरेंज जूस। जूस इसलिए क्योंकि इससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, जो मुझे एकदम से एनर्जी क्रैश फील हो रहा है, ये उसमें मेरी काफी हेल्प करेगा। तो कुछ इस तरीके का दिखता है मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। इसमें मैंने चॉकलेट फ्लेवर यूज किया है, अगर आपको याद हो सुबह मैंने बनाना फ्लेवर यूज किया था। डेफिसिट में रह के आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग्स होती हैं, बहुत खाने का मन करता है, खाना बहुत अट्रैक्ट करता है आपको क्योंकि आप अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं दे रहे हैं। तो इस तरीके के हैक्स यूज करके, अलग अलग फ्लेवर कंज्यूम करके, आप थोड़े बहुत अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं मल्टीपल फ्लेवर्स ऑफ प्रोटीन साइमल्टेनियसली यूज करता हूं अलग अलग मील्स में। और मुझे इतनी भूख लगी हुई है, इतनी थकान हो रही है कि मेरे मुंह में इस सिंपल खाने को देख के पानी आ रहा है और मुझसे रुका नहीं जा रहा है इसे खाने के लिए। मेरा मन था आपको डिनर भी दिखाने का और अपनी मील प्रेप भी दिखाने का, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है, फिर मुझे कमेंट आते हैं कि इतने लंबे वीडियो मत बनाया करो, तो इसलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करूंगा। अगर आप चाहते हैं मेरी मील प्रेप देखना, वैसे तो मैंने आपको सारी मील्स दिखा दी हैं आज की, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई एंड कवर दैट इन द कमिंग वीडियोस। अभी मेरा डेफिसिट चलेगा एटलीस्ट 2 हफ्ते और, तो मैं इसे खाता हूं और अपने डेफिसिट को जितना इंजॉयबल हो सके उतना बनाता हूं। आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज़ टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।